नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फुटफंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक पराठे की रेसिपी लाई हूँ। यह है चीजी पनीर पराठा। इसमें मैंने लगभग 250 ग्राम पनीर के लिए है और मैंने एक मध्यम आकार के प्याज को बारीक चकोर टुकड़ों में काटा है। साथ ही इसमें मैंने भुना हुआ जीरा और भुना हुआ लाल मिर्च दोनों को एक साथ बारीक क्रश करके डाल दिया है और मैंने इसमें लगभग 1/2 टीस्पून काली मिर्च के डाले हैं। इन सभी को डालकर मैं इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें चीज़ को मिलाया है। चीज़ मैंने लगभग 100 ग्राम डाला है। मैंने प्रोसेस चीज़ डाला है। आप चाहें तो किसी भी तरह के जो भी चीज़ का फ्लेवर आपको पसंद हो उसमें आप मिला सकते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ मिला सकते हैं। यह किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने ग्रेट करके रखा था चीज़, उसे ही मैंने लगभग 100 ग्राम मिला दिया है प्रोसेस चीज़। अब मैं सभी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह मिला लूँगी। मैंने इसमें नमक, भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लगभग 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और स्वादानुसार सॉल्ट डाला है। साथ ही मैंने इसमें कोई भी दूसरे मसाले ऐड नहीं किए हैं क्योंकि इसमें चीज़ के साथ पनीर के साथ चीज़ है और दोनों का ही फ्लेवर आना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ और नहीं ऐड किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ओरिगैनो या इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आटा मैंने सामान्य गूंथा था, उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। चपाती के आटे के जैसे मैंने सामान्य आटा गूंथा था। अगर आप दोनों में आटा में भी नमक डाल देंगे तो थोड़ा अंदाज से डालेंगे, नहीं तो फिर क्योंकि चीज़ में भी सॉल्ट रहती है और पनीर में भी मैंने अंदाज से सॉल्ट डाला है, तो अगर आप आटे में डाल रहे हैं तो बहुत ही अंदाज से डालिएगा। आपके आटे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिएगा। अब मैंने एक बॉल बना के अपने जो मैंने बेला था उसमें मैंने डाल के भर दिया है और मैं इसे बहुत ही हल्के हाथ से बेलूंगी, जिसमें मेरा पराठा बहुत ही आराम से बिले और उसमें से निकले नहीं। उसमें जो मैंने भरा है वो बढ़िया से स्टफ रहे। देखिए, मैंने पनीर को बढ़िया से स्टफ कर दिया था दोस्तों। मेरे पराठे लगभग एक पराठे को मैंने तवे पर डाल दिया है। अब मैं दूसरे को भी उसी तरह से थोड़ा सा बेल लूँगी और फिर उसमें मैं उसी तरह से पनीर डाल दूँगी। आपको पनीर अच्छे से भरना है। पनीर में को भरने के मैं जगह पर कम मत कीजिएगा क्योंकि पनीर का ही फ्लेवर और चीज़ का फ्लेवर आ रहा है, इसलिए भरने में आप ठीक से पनीर डालेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों को सोच के बनाया है इसलिए मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला। अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली डाले हैं तो उन्हें उसमें आप पराठे में डाल सकते हैं। मैंने आप देखिए इसे बेला है फ्रेंड्स। यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी पराठा लगती है खाने में। आपने केवल पनीर के पराठे खाए होंगे, प्लीज उसमें चीज़ मिला के बनाइए। आप कोई भी चीज़ डालिए, चेडर डालिए, प्रोसेस डालिए, किसी भी चीज़ के साथ यह बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए मेरा पराठा मैंने उलट पलट के उसे दोनों तरफ से सेक लिया है। मैंने इसे प्योर घी में सेका है फ्रेंड्स। आप भी प्लीज पराठे को प्योर घी में सेक सकते हैं क्योंकि पराठे का मज़ा तो प्योर घी के साथ ही आता है। वैसे आप किसी भी कुकिंग ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल में भी इसे सेक सकते हैं।
मैंने इसमें एज ए रिक्वायरमेंट ही घी लगाया है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। इसे इस पराठे को आप बच्चों को टिफिन में दे सकती हैं या हस्बैंड के लंच बॉक्स में डाल सकती हैं। इसके साथ आप केवल अचार या सॉस डालें, यह पराठा ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अब मैंने दूसरे भी पराठे को इसी तरह स्टफ करके डाल दिया है। प्लीज दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? यह मेरा बहुत ही छोटा सा वीडियो है, मैंने केवल इसमें पनीर पराठे को डाले। प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, चीजी पनीर पराठा। और प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और थम्स अप भी जरूर दबाएंगे फ्रेंड्स। आज भाई दूज है, मेरे सभी व्यूअर्स को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भाई दूज के अवसर पर भी अपने भाई को यह पनीर पराठा बना के खिला सकती हैं। मैंने देखिए इस तरह से सारे पराठे को सेक लिया है। शुरुआत में मैंने हीट को मीडियम रखा है, बाद में मैं इसे हाई फ्लेम पर सेक लेती हूँ। प्लीज दोस्तों, इस पराठे को जरूर बनाएंगे, वीकेंड पर या किसी भी समय। बहुत ही ईजी है, यह जितना बनाने में ईजी है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। इसके ऊपर सॉस लगा के आप बच्चों को रोल करके टिफिन बॉक्स में दे दें। देखिए मेरे सारे पराठे लगभग सिक के तैयार हो गए। इसे पलटे से दबा दबा के अच्छी तरह सुनहरी कर करके सेक लेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मेरे चीजी पनीर पराठे बिल्कुल रेडी हैं और खाने के लिए और सर्व करने के लिए तैयार है। प्लीज़ दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएंगे। जब तक के लिए मैं दूसरी नई रेसिपी लाऊं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।